हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप्स। उम्मीद आप सभी होंगे अच्छे और बढ़िया। तो गाइस, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक टिप्स। जी हाँ गाइस, तो गाइस मैं लेके आया हूँ आज एक और न्यू वीडियो आप सभी लोगों के लिए, जो आप सभी लोग के इंपॉर्टेंट, मेरे लिए भी, मैं भी आपके साथ करूँगा। और वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि आपको जो आज का टॉपिक है समझ आ जाए। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, ये जो वीडियो आपके ही कमेंट्स पर बनी है, जैसे कि मुझे कम से कम आपने बहुत मुझे प्यार दिया पिछली वीडियो में, तो आपने कमेंट भी किया था कि भाई जो बैक स्क्रीन पे, जैसे मैंने आपको पूछा भी था कि जो बैक स्क्रीन पे ग्रीन होती है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, मतलब जो पीछे हम बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं ग्रीन स्क्रीन के पीछे, तो आपने उसमें हामी भी भरी थी। और इस आई हूँ, तो यार आज की वीडियो देखना एंड तक, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो वक्त ना ज़ाया करते हम करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइज़, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी ना गाइज, तो यार लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, या पुराने हो या मेरी सभी वीडियोज़ को देखते हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइज। तो आप अगर मेरी इन सभी वीडियोज़ को भी देखना चाहते हो जो आपके सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ओबीएस बेस स्क्रीन रिकॉर्डर, आप देख सकते हो मैं अभी भी इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो या आप मेरा पेन मेरा ऐसा बनाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख कर देख सकते हो। तो अगर आप थंबनेल लगाना चाहते हो, जैसे इसका थंबनेल लगा हुआ है, इसको कैसे बना सकते हो, तो आप इसकी वीडियो देख सकते हो गाइस, मतलब हम कैसे ऐड कर सकते हैं थंबनेल अपने वीडियोज़ में। तो आज की वीडियो में वक्त ना ज़ाया करते हैं शुरू। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपनी Adobe प्रीमियम प्रो की स्क्रीन पर ले जाता हूँ। तो गाइस हम मिलेंगे सीधा अपनी Adobe प्रीमियम प्रो की स्क्रीन पर। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो चलो गाइस अब देख सकते हैं कि जो हम अपने Adobe प्रीमियम प्रो की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो गाइस मैं सिंपली आपको जो सॉन्ग होता है वो ऐड करके नहीं दिखाऊंगा, जैसा आपने कहा था कि ग्रीन से ग्रीन रिमूव करके दिखाओ उसको कैसे कर सकते हैं Adobe प्रीमियम प्रो सीसी में। मैं जावा ही यूज़ करता, मैं आपको हर बार बताता हूँ। और इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपके जो कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ है वो आपको कम से कम 64 बिट की चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं मेरा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और बेस प्रोसेसर भी 64 बिट है, और आपकी 8 GB से ज़्यादा रैम होनी चाहिए, मेरी 12 GB है। मैं शायद 16 GB करूँगा ताकि मेरी जो ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर और कमाल का चले, तो आप जैसा आपके पास आप चला सकते हो, लेकिन 8 GB से ज़्यादा रैम होनी चाहिए, और आपका जो प्रोसेसर है वो भी ज़्यादा ही होना चाहिए। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंटर का यूज़ करें, या आपकी मर्ज़ी आप एमड का भी यूज़ कर सकते हैं, इस पर एक वीडियो जल्दी आएगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए भी यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को भी कर देना लाइक, और इस वीडियो को नीचे कमेंट करना आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए, तो गाइज मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा गाइज। तो सिंपली हम पहले जो मेरी ग्रीन स्क्रीन के पीछे जो वीडियो है हम पहले उसको ले लेते हैं। तो गाइस सिंपली मैं आपको ये जो बेल आइकन दिख रहा है ना, इसके पीछे रिमूव करके दिखाऊंगा, और एक और इमोजी के पीछे कैसे डिलीट कर सकते हैं वो दिखाऊंगा। तो सिंपली हम पहले इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो फाइल है मेरी इंपोर्ट हो चुकी है। तो गाइस इसको करना बिल्कुल ही सिंपल है, ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। तो मैं सिंपली आपको एक बार इसकी जो ये है मतलब साउंड है इसको कम करके आपको प्ले करके दिखा देता हूँ गाइस। तो आप देख सकते हो, आप इसकी साउंड सीख देख सकते हो। तो आपको भी ऐसे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है गाइस। तो हम इसको अपनी वीडियो में कैसे लगा सकते हैं उस पर एक वीडियो जल्दी आएगी गाइस। तो सिंपली पहले हम इसकी जो बैक स्क्रीन है वो रिमूव कर लेते हैं। तो सिंपली मैं जाता हूँ सिंपली अपने इफेक्ट्स में। तो गाइस सिंपली आपको इस यहाँ पर किसी पर नहीं जाना, सिंपली इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट्स में जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करना है अल्ट्रा की। तो सिंपली आपको अल्ट्रा की यहाँ पर फाइंड कर लें। तो गाइज आप देख सकते हो कि ये जो अगर आपको नहीं मिलती तो आप कम से कम वीडियो इफेक्ट्स में जाकर की में जाकर अल्ट्रा की को देख सकते हो। तो सिंपली मैं इसको कर लेता हूँ अपनी फाइल में ड्रैग एंड ड्रॉप। तो सिंपली आपको इसको करना है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो गाइज आप देख सकते हो कि जो इफेक्ट्स हैं ये भी मेरे कुछ ज़्यादा आ चुके हैं। तो सिंपली हम इसको कंपोजिटी रहने देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। तो सिंपली हम इसको कर लेते हैं कंपोजिट। तो सिंपली हम इस ये पेन वाला टूल देख रहे हो ना गाइस, तो सिंपली हम इसको जाकर यहाँ पर कर देते हैं टिक। तो गाइस आप देख सकते हो जो हमारी पीछे वाली स्क्रीन है वो गायब हो चुकी है। तो आप इसको अपनी वीडियोस में फिक्स कर सकते हो या कहीं पर भी लगा सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली हम पहले इसकी ऑडियो को डिलीट कर दें ताकि आपको सुनने में कोई मुश्किल ना हो गाइस। तो सिंपली हम एक वीडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो कंट्रोल प्लस आई दबाकर हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सिंपली हम डेस्कटॉप में जाकर मैं कोई भी वीडियो ले सकता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। तो सिंपली मैं इसकी भी जो अनलिंक कर ऑडियो को डिलीट कर दूँ ताकि आपको सुनने में थोड़ी सी भी मुश्किल ना हो। तो सिंपली मैं इसको ऊपर रख कर नीचे रख लेता हूँ और इसको और नीचे। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी वीडियो में प्ले होना हो चुका है शुरू। तो गाइस ऐसे ही आप अपनी इसको
फिक्स भी कर सकते हो, इस पर डबल क्लिक कर इसको आप नीचे लगा सकते हो या इसका जो स्केल है उसको कम कर यहाँ पर लगा सकते हो। तो ऐसे देखने में आपका अच्छा भी लगेगा। हम इसको एक बार प्ले करके भी देख लेते हैं। तो सिंपली आप इसके पहले कोई इफेक्ट भी ला सकते हो ताकि ये जो आए तो आपको अच्छा भी लगे। तो सिंपली आप देख सकते हो कि ये जो बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। तो आपको सिंपली यही काम करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो इसके अलावा आपकी जो स्क्रीन है वो लग चुकी है। सिंपली हम इसको कंट्रोल जेड करके ये जो स्क्रीन है इसको कर लेते हैं थोड़ा सा डिलीट, ताकि हमें इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। तो सिंपली हम इस सभी को डिलीट कर देते हैं। इस पर दबाकर हम यहाँ पर डिलीट और डिलीट और डिलीट कर देते हैं। और हम इमोजी के पीछे, मतलब जो इमोजी होती है उनके पीछे जो ग्रीन स्क्रीन होती है, नेट से हम डाउनलोड करते हैं उसको, कैसे रिमूव कर सकते हैं बैक स्क्रीन को। तो वीडियो को अंत तक देखना ज़रूर। वैसे तो आप देख ही रहे होगे, आपको वीडियो आज की समझ भी आ रही होगी गाइस। तो सिंपली आप देख सकते हैं ये मेरे पास दो इमोजी है, मैं इन दोनों के पीछे करके दिखाऊंगा। इनका जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है गाइस। तो सिंपली मैं इसको एक को ड्रैगन ड्रॉप कर लेता हूँ, तो दूसरी को मैं कर देता हूँ डिलीट, और इसको यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको फिर डिलीट कर देता हूँ गाइस। तो सिंपली आप इसके अगर इफेक्ट भी देखना चाहें तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप इसके इफेक्ट आप देख सकते हो, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो सिंपली मैं इफेक्ट्स में जाकर यहाँ पर अल्ट्रा की को यूज़ कर लेता, या इसके जो स्केल है उसको बढ़ा भी सकता है, कितनी वीडियो मान चाहिए वो तो आपकी मर्ज़ी है गाइस। तो सिंपली मैं इसको अल्ट्रा की को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो की कलर मेरे सामने आ चुका, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करके खोल लेता हूँ टिक। तो आप देख सकते हो कि जो इमोजी की बैक स्क्रीन है वो यहाँ से चली चुकी है। तो जैसे आपने उसको सेट किया था, इसको यहाँ पर लगा सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो। इसका स्केल आप यहाँ से भी कम कर सकते हो गाइस, मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। जितना आप इसका जैसे 500 रखना चाहते हो, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ना गाइस। तो सिंपली हम इसकी जो स्केल है उसको सिंपली 20 कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो, अगर आप इस पर करना चाहते हो तो आप इस पर भी कर सकते हो। तो सिंपली मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, और फिर से कंट्रोल जेड, और इसको यहाँ पर ले जाके प्ले करके आप इसको यहाँ पर भी बड़ा छोटा कर सकते हो, या आप इसको जहाँ पर जैसे यहाँ पर रखना चाहते हो ऊपर नीचे, तो इसको साइड बाई साइड कहीं पर भी रख सकते हो गाइस। तो सिंपली ये तो हमारी इमोजी जो है फिक्स मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, जिसके बारे में आपको दिक्कत आती थी कि ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव करें। तो अगर आप ग्रीन स्क्रीन को वापस लाना भी चाहते हो, तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारी स्क्रीन है वो दोबारा आ भी जाएगी। तो सिंपली मैं एक बार फिर से यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो ये जो स्क्रीन है वो आ चुकी है गाइज। तो बस गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी ना गाइज, तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को भी लाइक कर देना गाइज, और मेरे चैनल को ऑफिशियल कमल का जो चैनल है टेक टिप्स, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो मेरे फर्स्ट टू फर्स्ट नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचते रहें, और आप मेरी ऐसी अमेजिंग्स और वंडरफुल वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो बस गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट जरूर करना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, या मेरे शायद कमेंट बॉक्स में आपको नंबर भी मिल जाएगा, आप मुझे सजेशन दे सकते हैं टेक्स्ट करके या व्हाट्सएप करके। अगर फ़ोन करोगे तो मैं शायद ही उठा पाऊँगा, तो या सिंपली आप टेक्स्ट और व्हाट्सएप कर मुझे बता सकते हो कि आपको कौन सी वीडियो नेक्स्ट चाहिए, तो मैं आपको बना दूंगा। तो बस गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, हम अगली वीडियो में मिलेंगे जल्दी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइस।